एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। फर्स्ट वी टेक, पहले एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब लेंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ओपन करें तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस तरह आता है, लेकिन हम इसको कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स का क्यूब प्लस 3 1 एक्स की पावर 3 माइनस 1 ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया। हुआ क्या है, जो पहले लिखा ना हमने एक्स क्यूब, उसको हम लिख सकते हैं 3 कंपोजिशन 3 0 7 एक्स क्यूब 7 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0। तो 3 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 कंपोजिशन 0 1 नहीं आता है, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0 अगर लिखें तो वो भी 1 नहीं आता, इसलिए हमने वो भी नहीं लिखा। यहाँ पर सिर्फ एक्स क्यूब लिख लिया, प्लस स्टार्ट हमने यहाँ से कर लिया 3 1 एक्स की पावर 3 माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 कंपोजिशन 2 एक्स की पावर 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कंपोजिशन 3 एक्स की पावर 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 कंपोजिशन 1 क्या आंसर देता है 3, एक्स पावर 3 में समान माइनस करें तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 कंपोजिशन 2 आता है 3 एक्स ब्रैकेट में, जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 कंपोजिशन 3 भी 1 आता है, एक्स की पावर 0 भी 1 नहीं होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। इसी तरह एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब भी सेम ऐसे ही होगा, बस उसमें साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये जो दोनों आए हैं इनको ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ऐड हो रहे हैं। सो एडिंग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, इसमें क्या होगा कि 3 एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3 एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, इनके साइन डिफरेंट हैं, तो ये कैंसिल हो गए। उसी तरह अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब और माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब ऐड हो गए 2 एक्स क्यूब, 3 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 3 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐड होकर 6 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा इक्वल्स टू 2 एक्स क्यूब प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 6 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स, 2 एक्स क्यूब और 6 एक्स क्यूब ऐड करें तो बनता है 8 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।